उन्हें भेज दो ताकि अपनी बात अधिकतम लोगों तक पहुंचे। आपको जानकारी होगी 13, 14, 15 जनवरी हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आदिवासी एकता परिषद द्वारा सांस्कृतिक महासम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें संवैधानिक बातें भी होगी और देश की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। और वो कार्यक्रम अब की बार गुजरात के छोटा उदयपुर के कवाट ब्लॉक के हमीरपुरा गांव को मिला है और उसके अंदर राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, गुजरात के स्वयं के हो गए, इसके बाद में दादरा नगर हवेली हो गया, गोवा, दमन, दीप और जो आसपास के जो इलाके हैं वहां से लाखों की संख्या में हमारे आदिवासी समुदाय के लोग पहुंचेंगे। तो मैं विशेष करके हमारे जो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही और बाड़मेर इलाके से जो लोग आ रहे हैं उनसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हम लोग 13 तारीख को 1 बजे उदयपुर, डूंगरपुर और गुजरात का जो बॉर्डर है जिसको हम लोग पुनावाड़ा कहते हैं, सिमलवाड़ा पीट रोड से आगे है, वहां से हम लोग रवाना होंगे और 11 बजे और वहां से हम लोग रवाना होंगे और लगभग 2 घंटे के अंदर अंदर हम लोग गुजरात के लिमडी में पहुंचेंगे और वहां से हम लोग रैली के रूप में कवाट की ओर प्रस्थान करेंगे। इसीलिए जो भी साथी है दूर दराज से आने वाले जितने भी सदस्य है उनसे मेरा निवेदन है कि उदयपुर से जो लोग आ रहे हैं सीधे आप लोग डूंगरपुर पहुंचिए, डूंगरपुर से सिमलवाड़ा रोड पर पहुंचिए और वहां पुनावाड़ा पे अपनी गाड़ियां खड़ी कर दीजिए। और मैं सभी लोगों से भी निवेदन करना चाह रहा हूं जो आने वाले साथी हैं, प्रचार थोड़ा कम ही देखने को मिल रहा है लेकिन संख्या बल वहाँ लाखों में होने वाली है, इसलिए अपनी अपनी गाड़ियों में ओढ़ने का जो साधन है वो लेके आवे, कंबल वगैरह और टेंट में ही सोने की व्यवस्था है, साथ में वहाँ बाथरूम वगैरह बना दिए गए हैं जो अपन लोग देख रहे हैं फेसबुक सभी जगह पे जो प्रचार वचार चल रहा है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही और प्रतापगढ़ के जितने भी साथी पधार रहे हैं वो अपने पास आज के बाद में 2 दिन बच रहे हैं, 2 दिन के अंदर तमाम गाड़ियों के ऊपर बिल प्रदेश का झंडा आप लोग छपा लेवे और जहाँ दुकानों में मिलता है वहां खरीद लेवे और हर गाड़ी के ऊपर बिल प्रदेश का झंडा अनिवार्य रूप से लगाकर आवे। साथ में मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि गाड़ी फिट फॉर होनी चाहिए, कोई बीच में मिस्टेक करे वैसी गाड़ी नहीं लावे किराए से। और साथियों को निवेदन करना चाह रहा हूँ कि कोई साथी अगर पी के भी बैठ जाए तो वो मत करिएगा, रास्ते में संवैधानिक तरीके से रैली के रूप में अपन लोग सारे गुजरात की ओर पहुंचेंगे। साथ साथ में इस वीडियो को यहां से आप लोग डाउनलोड करके अपने अपने यूट्यूब चैनलों पर भी चढ़ा सकते हैं और अपने टाइम लाइनों पर भी चढ़ा सकते हैं। और मैं यहां से कट करने के लिए कह रहा हूँ जो एक्सपर्ट लोग हैं कह रहा हूँ ये वीडियो यहाँ शुरुआती दौर में आपका राजपिपला के अंदर आदिवासी एकता परिषद का कार्यक्रम हुआ था तो आदिवासी समुदाय ने डिमांड रखी थी टीएडी विभाग से हमको बसें उपलब्ध कराई जाए, तो उस समय राजस्थान सरकार ने बसें उपलब्ध करवाई थी लेकिन धीरे धीरे इस चीज को टीएडी विभाग भी भूल गया और राजस्थान सरकार भी भूल गई। तो चलो आप 2 दिन के अंदर बसें उपलब्ध करवा सकते हैं तो हमारे लोगों को आपके जरिए, आपके जितने भी नेता हैं उन नेताओं के जरिए आप लोग बसें उपलब्ध करवा देंगे ऐसी आशा और विश्वास है। अगर नहीं भी करवाते हैं तो मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो लोग 13, 14, 15 तारीख को कार्यक्रम में जाएंगे और उस कार्यक्रम से लौटेंगे अपने गंतव्य स्थान की ओर, तो जितने भी हाईवे के ऊपर टोल टैक्स हैं, जो टोल टैक्स लिया जा रहा है, तो जिन गाड़ियों के ऊपर बिल प्रदेश का झंडा या फिर आदिवासी एकता परिषद महासम्मेलन कार्यक्रम का बैनर लगा हो उस गाड़ियों से, चाहे बस हो चाहे आपका फोर व्हीलर हो, किसी से भी टोल टैक्स नहीं लिया जावे।
और पेट्रोल मालिकों से भी निवेदन करना चाह रहा हूँ, मैंने दो चार बार और निवेदन किया था पहले भी दूसरे कार्यक्रमों में भी, और इस वीडियो को काट कर भेजें, और टोल मालिक जितने भी हैं उन टोल मालिकों से निवेदन है कि हमारा राष्ट्रीय स्तर का एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, सांस्कृतिक सम्मेलन, तो गाड़ियों के ऊपर आदिवासी एकता परिषद का बैनर लगा हो या बिल प्रदेश का झंडा लगा हो, ऐसी गाड़ियों से कोई टोल नहीं लिया जाए। और वो गाड़ी वाले आपको बता दें कि हम लोग कवाड़ छोटा उदयपुर गुजरात की ओर जा रहे हैं, तो उन गाड़ियों वालों से जो भी टोल वाला अगर टोल लेने का प्रयास करे तो आप लोग हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, और टोल वालों से हमने पहले भी निवेदन कर दिया है और आज भी कर रहे हैं कि 13, 14, 15 तारीख को आने वाले छोटा उदयपुर कार्यक्रम में उनसे टोल नहीं लिया जाए। साथ ही 15 के बाद में वहां से वो लोग रिटर्न होंगे या फिर 14 को रिटर्न होंगे तो रिटर्न वक्त होते समय भी उनसे टोल नहीं लिया जाए। ये राजस्थान सरकार भी इस चीज को फ्री करवाए और टोल मालिक भी इस चीज को अच्छी तरीके से समझ ले, चाहे आपका स्टेट का टोल हो या फिर नेशनल लेवल का टोल हो, तो स्टेट लेवल का जो टोल है वो आपका इधर से सलूम्बर से निकलने वाले जो लोग हैं उनके दो स्टेट के पड़ेंगे, इसके बाद में बांसवाड़ा तक आते आते आपके दो और पड़ जाएंगे, चार कुल मिला के पड़ेंगे। तो चारों टोल वालों से हमारा निवेदन है कि जो आदिवासी एकता परिषद के कार्यक्रम में जा रहे हैं जिसमें बिल प्रदेश का झंडा लगा हो उससे 1 रुपया भी टोल नहीं लिया जाए, आना जाना फ्री कर दिया जाए। साथ ही बाड़मेर के साथ ही जो आ रहे हैं सिरोही के अंदर जो टोल पड़ेगा, इसके बाद में नादवारा के आसपास जो टोल पड़ेंगे, उदयपुर में जो टोल पड़ेंगे, उन टोल मालिकों से मेरा निवेदन है कि जो कार्यक्रम में आ रहे हैं उनसे टोल नहीं लिया जाए। और अगर कोई टोल लेता है तो हमें मजबूरन आपके टोल पे कुछ साथी भेजने पड़ेंगे जिसकी जिम्मेदारी आप स्वयं की रहेगी, और टोल वालों से किसी भी प्रकार का कोई आप लोग ऐसा कोई मतलब बोलाचाल नहीं करेंगे, उनको सिर्फ कह देंगे हमको कार्यक्रम में जाना है। तो इसके आगे हम लोग गुजरात के सरकार से निवेदन करना चाहते हैं और मध्य प्रदेश की सरकार के निवेदन करना चाहते हैं कि जो आदिवासी एकता परिषद के कार्यक्रम में आ रहे हैं जो टोल है आपके उनको भी टोल फ्री कर दिया जाए। मुझे लगता है कि आदिवासी एकता परिषद के महासचिव अशोक भाई चौधरी ने भी बात की होगी, तो हमारे इलाके में हम लोग जो निकलेंगे उनसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग कतई किसी टोल मालिकों को टोल नाके पर टोल नहीं देवे, संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से आप लोग ये छोटा उदयपुर कवाड़ के आदिवासी महासांस्कृतिक सम्मेलन में आप लोग भाग लेंगे और लाखों की संख्या में भाग लेंगे, ठंड ज्यादा है अपने साथ में ओढ़ने का लावे। और कुछ साथियों ने पूछा था रूट क्या रहेगा, कोटा के साथी थे उन्होंने पूछा था, तो कोटा वाले साथी आप लोग चित्तौड़ पहुंचो, चित्तौड़ से प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ से बांस